Humans to be this fish scale. The scale is a small rigid plate that grows out of this animal skin to provide protection. Basically, एक स्किन का ही पार्ट है जो एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है और फिश में जिस फॉर्म में चेंज होता है वो दुनिया में स्किन जनरली क्लासीफाइड एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंटीग्रेटेड सिस्टम स्किन का एक पार्ट है एंड स्टडी ऑफ द स्किन इज नोन एज स्क्वामेटोलॉजी स्किन की स्टडी को स्क्वामेटोलॉजी कहते हैं डेवलपमेंट एंड द लोकेशन ऑफ द स्केल मेजोडर्म से डेवलप होता है और एपिडर्मिस और इसके अंदर पाए जाने वाले टिश्यू के बीच में लोकेट हो रहा है एंड चीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्केल इन द फिश एट द सेम रिजर्व ऑफ द हेयर एंड द पूछ इन द मेंबर जैसे हम में मेंबर्स में ह्यूमन बींग में हेयर और टूथ का डेवलपमेंट होता है ये जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं वही जीन्स वैसे ही जीन्स फिश में स्किल्स को डेवलप करने का काम आता है दे यूजली ग्रो इन द फिश इन द ओवरलैपिंग प्लेट एक प्लेट की दूसरी प्लेट के ऊपर पाई जाती है एंड थ्री एंड ऑफ द स्किल इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द टेल और सारे स्किल का डायरेक्शन जो है वो टेल की तरफ होता है क्योंकि अगर अपोजिट हुआ और फिश आगे बढ़ेगी तो पानी में इसके कारण रेजिस्टेंस डेवलप होगा और फिश अच्छी तरह से तैर नहीं पाएगी इसलिए बॉडी को सूखने करने के लिए सिग्नल करने के लिए इसका डायरेक्शन टेल की तरफ पाएगा फंक्शन ऑफ स्किन आगे क्या क्या है प्रोटेक्शन की बॉडी इसके साथ टफ एंड स्लिपरी मजबूत बनाती है और चिकनी बनाती है Help to protect fish from the scrapes, parasites and external injuries. Scrape लगने से बाहरी पैरासाइट से पानी के अंदर चारों तरफ कई पैरासाइट पाए जाते हैं तो बाहरी कई भी किसी भी तरह की इंजरी चोट से बचने के लिए स्क्रेप काम आते हैं बिकॉज दे आर अटैच्ड ओनली वन पॉइंट दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट स्क्रेप कैन स्लाइड ओवर इन द फिश बॉडी देन वाइल द स्विमिंग केवल एक ही पॉइंट से जुड़े रहते हैं इसके कारण ये आराम से बॉडी के साथ में बॉडी की मूवमेंट के साथ में भी बेंड हो सकते हैं और इस बेंडिंग से उसको अच्छी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है बॉडी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती टाइप ऑफ स्केल्स स्केल चार तरह के होते हैं कॉस्मोइड जेनोइड प्लेकोइड लेप्टोइड लेप्टोइड स्केल वापस साइक्लोइड स्केल एंड द टीनोइड स्केल्स में डिवाइड होता है तो कई बार शॉर्ट आउट पूछते हैं या बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि राइट एंड नॉट ऑन द स्केल्स तो लेप्टोइड स्केल साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स के अंदर और स्ट्रक्चर एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ द स्केल कैन यूज टू डिटरमाइन ऑफ द स्पीशीज कौन सा स्केल किस मछली में होता है क्या स्केल देख के आप मालूम कर सकते हैं ये किस स्पीशीज का स्केल है किस मछली का स्केल द टाइप ऑफ स्केल आल्सो अफेक्ट द बिहेवियर लार्जर एंड द हैवियर स्केल प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन बट रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट अगर बॉडी के बड़े बड़े स्केल्स हैं तो वजन भी बढ़ जाएगा और प्रोटेक्शन तो बढ़ेगा पर उसका फिश का मूवमेंट बड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है छोटे स्केल वाली मछली ज़्यादा आराम से ज़्यादा मूवमेंट स्विफ्ट मूवमेंट कर सकती है एज कम्पेयर टू द बिगर वन सबसे पहले बात करते हैं प्लेकोइड स्केल्स के वेरी कॉमन है दे आर नोन एज द डेंटिकल्स दांत की तरह से डेंटिकल्स भी कहते हैं फाउंड इन द शार्क स्केट एंड रीज शार्क स्केट एंड रीज में रेक्टेंगुलर बेस प्लेट इज द एम्बेडेड बिटवीन द सॉफ्ट स्किन ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट जो है वो सॉफ्ट पार्ट डर्मिस और डर्मिस इसमें इंसर्टेड रहता है इंटीरियर ऑफ द स्केल इज द पल्प दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम द फिश वास्कुलर सिस्टम ये अंदर पल्प कैविटी ये पल्प कैविटी ये पल्प कैविटी अंदर पाई जाती है जिससे फिश वास्कुलर सिस्टम से ये जुड़ा रहता है ब्लड यहाँ से सप्लाई होता है वाइल द आउटसाइड इज द मेड ऑफ द एनिमल
जैसे हमारा दांत बाहर से बड़ा कठोर सब चीज तोड़ देता है और अंदर से खोखला और ब्लड की सप्लाई देती है, इसी तरह से इसमें स्किन भी दांत के रूप में है। और ये जो एनिमल लाइक सब्सटेंस, ये जो ऊपर एनिमल लाइक सब्सटेंस है, दैट इज नोन एज विट्रो डेंटाइट। क्या कहते हैं इसको? विट्रो डेंटाइट। लिकोइड स्केल है द शार्प एजेस एंड डाउन द सेंटर ऑफ द स्केल सेगमेंट ऑफ द विट्रो डेंटाइन, विट्रो डेंटाइन का बना होता है और ऊपर की बीच की एज है ब्लेड की तरह शार्प होती है। द एनिमल रिज इज द एक्टोडर्मल कैप, इसके एक्टोडर्मल ओरिजिन है, इंपॉर्टेंट बिकॉज द एनिमल कैप इज द शार्प ऑफ द फीट। और इस स्केल और इस दांत के कारण शार्क अच्छी तरह से खाना खा सकती, और अगर ये नहीं हो तो शार्क के दांत भी करने नहीं हो। लेकिन डू नॉट ग्रोस विद द फिश, लेकिन इसके ऐसे नहीं होते कि ये फिश की साइज बढ़ी और उसके साथ साथ कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। ये शार्क गेट्स ब्लेड्स साइज में जैसी बढ़ती है, न्यू स्केल टू फिल द गैप्स बिटवीन द स्केल। शार्क की साइज बढ़ी तो स्केल बड़ा होकर और वो कंटिन्यू कवर करेगा, ऐसा नहीं है। वो जो गैप होगा उन दो स्केल्स के बीच में नया स्केल ग्रोथ कर जाएगा और ये प्लेकोड स्केल का इस तरह से अरेंजमेंट रहता है और जैसे जैसे मस्तिष्क के बीच में खाली जगह पे नए स्केल्स आते रहते हैं। सभी का डायरेक्शन एक साथ पीछे की तरफ है, ये अल्ट्रा मैग्निफिकेशन है ओरिजिनल स्केल का और ये लैंगुएज का। कॉस्मोइड स्केल वेरी रेयर स्केल और ये जनरली एक्सट्रीम फिशेज के अंदर पाया जाता है। क्रोसोप टेरिजन 5C से याद रख सकते हो, क्रोसोप टेरिजन इन द कॉस्मोड स्केल लिमिटेड टू डे एंड लिमिटेड लॉफिन एंड मरी फिश, तीन लंग फिश मैंने पढ़ाई था, साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन एंड साउथ अमेरिकन। कॉस्मोड स्केल फ्रॉम दीज आर ऑल्सो स्केल विच इज इवॉल्व फ्रॉम द लोकल स्केल एंड फ्यूजिंग टूगेदर। वो ऊपर से नोज की तरह अलग अलग थे, इसमें ये एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक ही है। दिस इज बिकॉज कॉस्मोड स्केल्स हैव द टू बेस प्लेट एंड द सिमिलर एक्सटर्नल स्पाइंस कंपोज ऑफ द विट्रो डेंटाइन। इनर लेयर द स्केल मेड अप ऑफ द लेमिनर बोन, टॉप ऑफ द लाइन लेयर ऑफ द स्पॉन्जी एंड द वास्कुलर बोन, अ लेयर ऑफ द डेंटाइन मटेरियल इज नोन एज द कॉस्मोइड स्केल। इसमें कॉस्मोइन होता है, इसमें इसमें डेंटल उत्पन्न होते हैं, डेंटल इसको कॉस्मोइन कहते हैं। दीज स्केल्स ग्रो अलोंग विद द फिश, लेकिन स्केल फिश के साथ में साइज में बड़े नहीं होते हैं पर कॉस्मोइड स्केल फिश की साइज के साथ साथ बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द गैनोइड स्केल, दिस फाउंड इन द गार्ड्स, जी से गैनोइड, जी से गार्ड्स, ये भी याद रख सकते हैं। बीचीट्स एंड द रीड फिशेस रेयर अमंग मॉडर्न फिशेस, या पीछे जो मॉडर्न फिशेस है उसमें कम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। दे आर अ फ्लैट बेसल लुक लाइक स्केल, अनयूजुअल अबाउट द स्केल दे डू नॉट ओवल बट इंस्टीड फिक्स टूगेदर, एक दूसरे से फिक्स हो जाता है, एक दूसरे को ऊपर से कवर नहीं करते हैं। कॉस्मो जो लिटिल स्केल कर एक दूसरे को नहीं पाए जाते हैं, एक दूसरे से अटैच पाए जाते हैं। ये गार फिश है और इसमें एक प्लेट के नुमा ब्रेड के नुमा ये साथ साथ अटैच रहते हैं। हाउ एवर द डिफरेंट लेयर ऑफ द लेयर इज मेड अप ऑफ द इन ऑर्गेनिक बॉन्ड्स ऑल इज नोन एज जूनियर स्केल, इसको डायमंड कहते हैं। दे आर द डायमंड शेप एंड इंटरकनेक्टेड, डायमंड की तरह होते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जूनियर स्केल आर द पेज एंड द सॉकेट जॉइंट आर्टिब्रेट, एक एक का ये सॉकेट दूसरे के साथ साथ जुड़ा रहता है और ये आपस में इस तरह से एक प्लेट से दूसरी प्लेट जुड़ती चली जाती है। दे एक्ट लाइक द आर्मर, ये कवच कुंडल की तरह काम करते हैं। एंड इम्पेनिट्रेबल बैरियर ऑफ द ट्यूबेट, पर पक्षी इसके अंदर या पौधी भी इसके अंदर नहीं जा सकता है। दे आल्सो ग्रो विद द फिश, तो लेक्विड स्केल्स ग्रो नहीं करते पर गैनोइड एंड साइक्लोइड स्केल फिश के साथ साथ साइज में ग्रो करते हैं। नेक्टोइड स्केल फाउंड ऑन द हायर ऑर्डर ऑफ द बोनी फिश, दे ग्रो एंड एट कंसेंट्रिक रिंग रिंग्स बढ़ती रहती है इसके अंदर। टू टाइप्स ऑफ द ओपन ग्रुप बोनी रिज स्केल, इसको ग्रो बोनी रिज स्केल कहते हैं।
इसके अंदर लेटरल डिस्कल के अंदर टू फॉर्म्स पाए जाते हैं, लेटरल डिस्कल में साइक्लोइड डिस्कल एंड पिनोइड डिस्कल। साइक्लोइड डिस्कल नाम बता रहा था, साइक्लोइड एंड पिनोइड डिस्कल डिफरेंट शेप्स होते हैं और कॉस्मो पोजिशन एंड पोजिशन अलग अलग फिश में अलग अलग जगह पर अलग अलग मशीनों में पाए जाते हैं। बोनी फिश है, सम बोनी फिश है, ज़्यादातर जो मछलियाँ हैं बोनी फिश और साइक्लोइड डिस्कल पाए जाते हैं, दे आर द राउंड स्केल्स, दे हैव द स्मूथ आउटर एज, स्मूथ आउटर एज होती है इसमें। इस तरह से जो प्लेटो डिस्कल है या दूसरे स्तर तक जिनमें बड़े बड़े नुकीले हो जाते हैं, इसमें नहीं होता, लगभग छोटी सी सिलेटेड फॉर्म पाई जाती है। और दे आर द मोस्ट कॉमन ऑन द फिश इन द सॉफ्ट फिन रेस सच एज द सालमन एंड द कार्प, सालमन में और कार्प में साइक्लोइड डिस्कल्स पाए जाते हैं। टू बेसिक पार्ट्स, इनर सॉलिड स्ट्रक्चर एंड आउटर कोलेजन स्ट्रक्चर। स्केल्स आर नॉट शेयर्ड विद द फिश एजेस बट ग्रोथ विद द एनिमल। अब ऐसी फिश जिसमें स्केल शेयर नहीं होते हैं और फिश की एज के साथ साथ बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं, तो साइक्लोइड स्केल जो शार्क और एनिमल होते हैं उनमें तो आप मालूम नहीं कर सकते कि एज स्केल कितनी और फिश की एज क्या है, क्योंकि वो तो इन बिटवीन आते हैं। पर पिनोइड स्केल फिश के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, तो ऐसी मछलियों में जिनमें स्केल्स रिप्लेस नहीं होते हैं, मछली के साथ साथ बढ़ते हैं, तो उस स्केल को निकाल कर एनुलर रिंग को गिन के मालूम किया जा सकता है कि इस फिश की एज कितनी है। जब हम बात करेंगे ग्रोथ एंड एज के अंदर, तब बात इसके भी बात करेंगे कैसे इसको स्टडी किया जाता है। स्किन स्ट्रक्चर शेड इजीली एंड दे आर द डेसिडियस स्केल, ये गिर भी सकते हैं आराम से, शेड हो जाता है स्किन से और वापस आ जाता है, दे आर द डेसिडियस स्केल। पिनोइड डिस्कल्स टूथेड आउटर एज स्पाइनी और द फॉर्म लाइफ, ये टूथेड आउटर एज फॉर्म की तरह यूजुअली फाउंड ऑन द फिश विद द स्पाइनी फिन रेज एट द बास एंड द फ्लुकी, दे आर द टीनी टीथ लाइक प्रोफेशन कॉल्ड द टीनिया, टीनिया के तहत कौन को कंगे को, तो इसके ऊपर जो स्केल है इस पर छोटी छोटी टीनियाँ पाई जाती है, टीथ पाए जाते हैं, इससे इसका स्ट्रक्चर जो है वो रफ हो जाता है। थैंक यू।